लखनऊ राजधानी के दुबग्गा अड्डे की चौकी से कुछ दूरी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की विशाल जनसभा भारी भरकम पुलिस बल की मौजूदगी में। पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभा, कई थानों की पुलिस फोर्स जनसभा में मौजूद। लखनऊ मजिस्ट्रेट से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम, वहीं पर दुबग्गा थाना प्रभारी अभिनव कुमार वर्मा भीषण गर्मी में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करते हुए संभाली कमान। पूर्व समाजवादी मंत्री रहे मोहनलालगंज से सांसद प्रत्याशी आर चौधरी को जीतने हेतु अखिलेश यादव की विशाल जनसभा, तप तपाती धूप में सपा कार्यकर्ता की भारी भीड़। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान चाहने वालों का उमड़ा जनसैलाब। इस वक्त मैं लखनऊ राजधानी के दुबग्गा अड्डे की चौकी पर खड़ा हूं। यहां पर अखिलेश यादव जी का बहुत ही बड़ा संबोधन समारोह है, जहां पर आर के चौधरी प्रत्याशी है विधानसभा मोहनलालगंज से, जिनके समर्थन में अखिलेश यादव जिताने हेतु आज बड़ी तादाद में जनसभा रखी गई है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तपतपाती धूप है। धूप होने के बाद भी अखिलेश यादव कार्यकर्ता चाहने वाले की जमावड़ा लगा हुआ, बहुत तगड़ी भीड़ है। आप देख सकते हैं भीड़ को, बहुत तगड़ी भीड़ है, जगह नहीं है पैर रखने की। रोडों पर भी रोड पर भी बड़ी तादाद में भीड़ है और काफी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। बड़ी परेशानियों के बीच में लोग फिर भी अखिलेश यादव के चाहने वाले लोग यहाँ पर खड़े हैं और बाकायदा अखिलेश यादव के समर्थन में। अभी अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे हैं, कुछ ही देर में, थोड़ी देर में संबोधन करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अखिलेश यादव के चाहने वालों की लंबी कतारें लगी हैं, जमावड़ा लगा है, भीड़ में तब तक धूप में लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे लोग धूप में खड़े हैं। अखिलेश यादव के समर्थक के लोग हैं, आर के चौधरी के समर्थन को लेकर अखिलेश यादव की जनसभा है, बहुत ही बड़ी जनसभा है। लखनऊ राजधानी के डीवी भारती समाचार के पत्रकार जनाब, ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ जहाँ पर जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है और ये लोग जो गारंटी लेकर के आए हैं, ये लोग जो गारंटी का प्रचार कर रहे हैं, इस बार लखनऊ और मोहनलालगंज दोनों मिलकर के इनकी घंटी बजा देंगे। बताओ, इनकी झूठी गारंटी की घंटी बजाओगे कि नहीं बजाओगे? 10 साल दिल्ली सरकार के और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के, बताओ हमारे लखनऊ वालों कितने साल का हिसाब किताब लेना है? 17 साल का, 17 साल का हिसाब लेना है। बताओ 17 साल में क्या मिला है? इधर लखनऊ शहर में और बड़े बड़े शहर में आप देख रहे होंगे, ये बड़ी बड़ी होर्डिंग लग गई हैं डबल इंजन सरकार की, बड़ी बड़ी होर्डिंग डबल इंजन सरकार की लगी हैं, लेकिन कई होर्डिंगों पर आप देखो एक इंजन पहले से ही गायब है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।